हाय फ्रेंड्स एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का मैथ्स क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9 विद यू व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9 इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फ्रंट ऑफ यू इट इज रिटन दैट व्हाट इज रिटन इफ यू रिमेंबर एंड इफ यू रीड दिस क्वेश्चन इट इज रिटन हियर दैट abc is a triangle it is right angle at b okay so it is here it is given that this is a triangle okay this is a this is b and this is c right angle is here tan a is equal to 1 by root 3 tan a is equal to 1 by root 3 so this is 1 by root 3 But it is perpendicular divided by base

अल्टीमेटली इट इज के स्क्वायर प्लस के रूट थ्री द होल स्क्ट के प्लस थ्री के स्क्वायर ओके स्क्वायर एंडोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर फोर के स्क्वाट इज टू के अब आप अपने इस सवाल पे आ जाइए उ फाइंड द वैल्यू अब हमको वैल्यू निकालना है किसका वैल्यू निकालना है पहला सवाल पहला सवाल कहता है साइन ए इंटू साइन सी क्या वैल्यू होगा भाई दिस इज साइन ए तो ए के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है ये तो हाइपोटेस कभी बदलेगा नहीं तो साइन ए इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस सो इट विन बाई टू इन टू कॉस सी अब कॉस की बात कर रहे हैं कॉस यहाँ पे है सी सी के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस कॉस का डिफिनेशन क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस सो इट बी के अगेन ये दिस इज दिस इज वन बाई टू दिस इज नथिंग बट के अपॉन टू के ए अपॉन टू के प्लस अब आ जाइए कॉस ए So, cos A, यहां पे दिस इज बेस फॉर ए एंड दिस इज हाइपोटेनस के रूट थ्री अपॉन टू के लिए साइन इसके लिए परपेडिकुलर ये है के रूट थ्री अपॉन हाइपोटेनस अगेन इट विल बिकम रूट थ्री बाई टू दिस विल बी नथिंग बट वन बाई फोर प्लस रूट थ्री रूट थ्री इज थ्री

बेस बाय हाइपोटेनस इट इज रूट थ्री बाई टू इन टू कॉस सी यहाँ पे इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस अगर ये इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये दिस बाई दिस बट वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई साइन सी इसके लिए इसके लिए ये परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर डिड बाई हाइपोटेनस थिंग बट रूट थ्री बाई टू दिस कम्स टू बी दिस इन दिस वे वी है वो हमने आपको बनाकर आपके सामने दिखाया है Now, is here. आप देख सकते हो इतना ईजी सोल्यूशन है

जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा और उतनी ज्यादा जो है आप जल्दी से क्वेश्चन को कर पाएंगे ओके थैंक यू दोस्तों